कि डू यू ट्रैक दिस कंपनी? नो, वी आर जस्ट डूइंग इट लाइव, राइट? तो ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन आई लुक एट द कंपनी, आई सी द सेल्स हैव गॉन टू जीरो. एंड बिकॉज द सेल्स हैव गॉन टू जीरो, आई सी दैट दिस कंपनी हैज वाज रिपोर्टिंग गुड अमाउंट ऑफ लॉसेस. यहाँ पर भी जो इसको ये प्रॉफिट आया 79 करोड़ का, बिकॉज 70 करोड़ का मेरे अदर इनकम था. एंड आफ्टर दिस माई सेल्स स्टार्टेड डिप्लीटिंग 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 एंड नाउ माई सेल्स हैव गॉन टू जीरो एंड दैट इज वाई द कंपनी इज रिपोर्टिंग लॉसेस. कुछ भी अगर मैं देखता हूँ कि अगर ये 49 करोड़ में मेरे को प्रॉफिट आया तो दिस 60 करोड़ इज अदर इनकम, और ये 69 करोड़ में मुझे लॉस आ रहा था, बिकॉज दिस 99 करोड़ इज द राइट इज द राइट ऑफ इन द टीटीएम व्हिच इज बेसिकली इन द लास्ट 4 क्वार्टर्स. सो लास्ट क्वार्टर के अंदर ही 101 करोड़ का राइट ऑफ आया है, 1 करोड़ ऑफ सेल्स. तो फ्रॉम जून ऑफ 22 द कंपनी हैज टोटली लॉस सेल्स. तो टू माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, अभी आप लोगों को ज्यादा आता है सर, मुझे ज्यादा नहीं आता, दिस कंपनी इज इन टू अ डिक्लाइनिंग फेज. मुझे तो ये दिख रहा है दिस कंपनी इज इन टू अ डिक्लाइनिंग फेज. इट इज गॉन, इट इज डेड. बट व्हेन आई सी द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, दे वर कंटिन्यूअसली डाइल्यूटिंग बिकॉज सेल्स इनका गिरता जा रहा था. सो दे वर इन रेगुलर नीड ऑफ फंड्स. फ्रॉम 22 करोड़ ऑफ कैपिटल दे वेंट टू 37 करोड़ ऑफ कैपिटल, बिकॉज यहाँ तक लॉसेस कर करके द कैपिटल वॉज इरोडेड लाइक एनीथिंग. तो देन दे हैव देन दे हैड अ रीस्ट्रक्चर. यू सी द बोरिंग्स हैव गॉन वैनिश्ड एंड यू सी द इक्विटी हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड एंड यू सी दीज अदर लाइबिलिटीज, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है एंड यू सी दीज अदर एसेट्स हैव वैनिश्ड. तो इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग लिया है बैंक से या कोई दूसरे रूट से, तो इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया है. देन दे स्टार्टेड डायल्यूटिंग एंड एवरी 1 or 2 years दे वर डायल्यूटिंग 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 डायल्यूटिंग. मतलब द बिजनेस वॉज नॉट मेकिंग एनी मनी विद एनी ग्रेट सिग्निफिकेंस. सो दे वर इन कंटिन्यूस नीड ऑफ कैपिटल एंड दे वर डायल्यूटिंग. एंड ऑन द सेम ट्रेंड द बोरिंग्स वर ऑल्सो, पहले उन्होंने थोड़ा बोरिंग्स कम किया, बट रिसेंटली इन द लास्ट 6 months और सो, जो लास्ट 6 months का बैलेंस शीट है हमारे पास, सो दे वर हैड गुड अमाउंट ऑफ डेट. दिस अमाउंट ऑफ डेट फ्रॉम 28 करोड़ टू 130 करोड़ इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द कैपेक्स, द वर्किंग प्रोग्रेस ऑफ द एसेट्स विच आई एम ट्राइंग टू डू. एंड इफ आई सी एट द कैश फ्लोज, हार्डली एनीथिंग, कुछ भी नहीं है. सो दिस बिजनेस इज काइंड ऑफ अ डिक्लाइनिंग फेज. आई लुक एट द इन्वेंट्री, हाईली वॉलेटाइल. इफ आई लुक एट द पेबल्स, हाईली वॉलेटाइल. डेटर्स को थोड़ा सा इसने कंट्रोल करके रखा हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड देर इज नथिंग ग्रेट सिग्निफिकेंस इफ आई कैन से द प्रोमोटर इज होल्डिंग एनीथिंग. द टू थ्री फोर्थ ऑफ द कंपनी इज हेल्ड बाय द पब्लिक, विच इज नॉट अ गुड साइन. सो दिस गाय माइट बी अ टेक ओवर कैंडिडेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये करता क्या है, बेसिकली स्पेशलाइजेस इन प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स एंड रिलेटेड पीवी मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स एंड सेल्स बनाता है. सोलर का आज की तारीख में बूम चला हुआ है, इनोवेशन वोशन जो भी है. प्रोडक्शन लॉस इनको हुआ था FY23 में, रेवेन्यू ड्रॉप बाय 17 करोड़ फ्रॉम 230 करोड़ प्राइमरी ड्यू टू द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ 250 मेगावाट ऑफ सेल लाइन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू ग्रेजुएट टूवर्ड्स द न्यू मोनो PERC टेक्नोलॉजी. पुरानी लाइन की कोई टेक्नोलॉजी थी. सोलर के अंदर क्या होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो जाती है. इफ यू कैन नॉट कोप अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी, यू विल नॉट हैव एनी बिजनेस, दैट इज नंबर 1. तो इन्होंने अपना पुराना सब शट डाउन कर कुरा के अब नया कैपेक्स कर रहे हैं. फॉर द डूइंग द न्यू कैपेक्स यू नीड रेगुलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और यू नीड कैश फ्लोस. इस बिजनेस में कैश फ्लो इतना स्ट्रांग होता नहीं है, सो यू यू नीड डाइल्यूशंस. नाउ व्हाट आर दे डूइंग, द कंपनी इज प्लान टू एक्सपैंड. फेज 1 में 600 मेगावाट सेल लाइन बनाएंगे और 550 मेगावाट मॉड्यूल लाइन बनाएंगे. फेज 2 में 1200 मेगावाट की सेल लाइन बनाएंगे. दिस इज मेगावाट, दिस इज नॉट किलोवाट, दिस इज मेगावाट. एंगेज इन द कमिश्निंग इंस्टॉलिंग ऑफ 600 मेगावाट मोनो PERC सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी विद 550 मोनो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ करंट लोकेशन. ये SEZ जोन के अंदर इनका ये चल रहा है, ये इनके क्लाइंट्स हैं. वी स्पोक अबाउट डेट रिस्ट्रक्चरिंग. इश्यू अप टू मैक्सिमम ऑफ इतने लाख इक्विटी शेयर्स बाय द वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस एट 112 रुपीज, एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ 40 करोड़ जो इनको पैसा इन्होंने रेज किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब जाके देखते हैं कि बिजनेस है क्या. टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, नो आई एम नॉट गोइंग वेरी फार ऑफ, आई कैन गो 2005 7 कहीं भी जा सकता हूँ. तो
what I did was I took some pictures in this WebSol, and these are the some pictures which I have posted. I hope you are able to see my screen. Yes, sir. So WebSol, they started in 1995 with 1 megawatt solar capacity, and they were likely to emerge at by 120 megawatt of company by 2011-12. This is the annual report of 2011. And the company graduated to the monocrystalline solar gray technology today. मतलब ये पहले दूसरी टेक्नोलॉजी में थे, 2010-12 के अंदर, 11-12 के अंदर आते थे इनके टेक्नोलॉजी, फिर चेंज हो गए. दे मैन्युफैक्चर सोलर सेल्स अप टू 175, देन दे वाइड इनटू 245. सो द सेल कैपेसिटी आल्सो दे हैड टू चेंज. दिस इज व्हाट द कंपनीज नंबर्स वर इन 2011-12. एक मॉड्यूल को बनाने के लिए, 1 मेगावाट वॉल्यूम को बनाने के लिए 6.5 करोड़ लगता था. देन इट प्राइस ड्रॉप टू 5.4. दिस वाज देयर रियलाइजेशन. सो ऑन एंड सो फोर्थ, इतना इनका ये उस टाइम का बिजनेस था. फ्रॉम 30 to 60, दिस इज द गाय हु इज द ओनर ऑफ विप्टॉल, एंड दे सेड दैट वी हैव अ रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 700 करोड़. दिस वॉज 2011 and 12. डू यू सी 2700 करोड़ ऑफ रेवेन्यू एनीवेयर इन दिस पीएनएल? नो सर, तो कहना बहुत आसान होता है, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है. तो दे से वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड इनटू द रिन्यूएबल सोलर एनर्जी इंडस्ट्री ड्यूरिंग दिस लास्ट ईयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन रियलाइजेशंस. कौन बेवकूफ आदमी है जो आपको बोलेगा कि मेरा सेलिंग प्राइस कम हो गया? एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड. सर मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे 3-4 बार पढ़ना पड़ा और मुझे लगा मैं ही कहीं गलत हूँ। ही सेज द डिक्लाइन वॉज पार्टली ट्रिगर्ड बाय अ ड्रॉप इन ग्लोबल पॉलीसिलिकॉन कॉस्ट. अच्छी बात है, मेरा कॉस्ट कम होगा तो बिकॉज दिस अ कमोडिटी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, द कॉस्ट व्हिच इज रिड्यूस्ड, आई विल हैव टू पास ऑन दैट रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट टू माय एंड कंज्यूमर फ्रॉम अराउंड $90 to $60 अ किलो किलो वॉट होना चाहिए. दिस सिंगल इंडस्ट्री फिनोमेना ओपन्स इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज, अ लोअर ब्रेक इवन कॉस्ट. भैया मेरे, अगर लोअर ब्रेक इवन कॉस्ट है तो आपके कौन सा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं? मार्जिन भी तो आपका वहीं के वहीं है, ये राधा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. अब विलिंगनेस टू एक्सप्लोर वेल सोलर एनर्जी, सो बेसिकली देयर वाज अ कॉस्ट रिडक्शन. और ये 2011-12 नहीं, ये आज तक यही कहानी चलती आ रही है इंडस्ट्री की. उस टाइम जो उसने डॉलर्स में होते थे, आज तो बहुत कम रह गया, आज तो सेंट्स के अंदर ही रह गए. देन व्हाट ही सेज वाज, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस टू एनहांस माय इंडस्ट्री ऑप्टिमिज्म फॉर अचीविंग अ ग्रिड प्रायोरिटी ऑफ $1 अ वॉट एज माई यूएस डिपार्टमेंट, और ये सब चीजें दिस इज वॉट द सोलर इरिगेशन वॉज, एंड ये बेसिक डिटेल्स है. नाउ प्लीज हैव अ बेसिक मोटा मोटा रीडिंग ऑन दिस. दे आर 3 junctions एंड 2 junctions डिवाइसेज दैट करंटली ऑफर अप टू 44% एनर्जी कंजम्पशन एफिशियंसी. सिंगल जंक्शन में इतना हो जाता है. उसके बाद तो फिल्म टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स द मॉड्यूल टेक्नोलॉजी चेंजेस, द वॉट का कैपेसिटी चेंजेस, द फिल्म टेक्नोलॉजी चेंजेस. द फिल्म टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी करेंटली ऑफर बिटवीन 5 to 20% एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसीज. जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी भी, आपकी टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी. सोलर सेल्स पावर्स एवरीथिंग फ्रॉम सोलर कैलकुलेटर्स, रिमोट हाईवे साइंस, टू कमर्शियल बिल्डिंग्स, टू लार्ज पावर प्लांट्स, पावर सेटेलाइट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वन सेकेंड प्लीज. तो अभी तक की जो कहानी हमने देखी, हमको ये पता चलता है कि द प्राइसेस वर ड्रॉपिंग एंड द प्रमोटर वाज सेइंग दैट द प्राइसेस आर ड्रॉपिंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट, रादर हिज रियलाइजेशंस वर गोइंग डाउन. एंड इफ यू सी दीस प्राइसेस वर ड्रॉपिंग फ्रॉम ईयर टिल ईयर, एंड यहाँ जाके कुछ कहानी अलग बनी. सो यू सी द सेल्स आर ड्रॉपिंग 143 करोड़. माई स्क्रीन विजिबल? यस सर,
143 करोड़, 114 करोड़ यहाँ आपकी सेल्स आर ड्रॉपिंग, आई वाज मेकिंग अ लॉस ऑफ 116% ओवर 116 करोड़ ओवर ईयर बिकॉज माय मटेरियल कॉस्ट वाज हाई. देन ही सेज ऑन लोअर मटेरियल कॉस्ट, जो हमने ये मैनेजमेंट के इंटरव्यू में पढ़ा कि दिस ओपन्स अप अ गुड पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ द लोअर मटेरियल कॉस्ट फ्रॉम $90 टू $60. नाउ जस्ट लुक एट द नंबर्स, व्हाट वाज हिज मटेरियल कॉस्ट? 161% more than the amount of sales he was able to do. Now his material cost is 88%. Is it a lower cost? ठीक है, compared to 161% of the sales, it is a lower cost. But still my cost is very high. And you see this, for the next few years, it was the same trend. Right? For the next few years, it was the same trend. यहाँ जाके कहीं cost थोड़ी कम हुई, फिर बढ़ गई. यहाँ जाके costing आपकी कम होने लग गई. Now look at this. Now what has happened over here, Screena has done a bifurcation of expenses. Mera ye cost actually kam nahi hua hai. Now see this 8%, 9% ye. Yahan see 34%. Why my manufacturing costing has gone up? That will go and look at the 2023 annual report. Why my employee cost has gone up? That will go and look at 2023 annual report. I have totally lost sales. बार बार टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, बार बार रॉ मटेरियल की प्राइसिंग चेंज होने की वजह से मेरा धंधा टोटली चौपट है, खत्म है. आई डोंट हैव अ बिजनेस. हाँ, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है वो बात की बात है, ठीक है. सो वी वर हियर, नाउ सी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ही सेज दैट पीवी कैपेसिटी वाज 7.2 गीगावाट, वेंट अप टू 16.6. And the film production increased from 1.98 is going up to 3.5. ये पुराने जमाने के जो stats थे उस time के. Global solar was 10 gigawatt going to 20 gigawatt, and then the speed even drastically increased in the future years. And the PV industry was generated 82 billion in global revenues in 2010, up by 105 in 2009. So the business is revenue वाला business. Revenue grows very drastically. Profitability का पता नहीं. So over the past 30 years, the PV industry has achieved impressive price decreases. Does this line make sense to you? If my price of my product, which I am selling, is decreasing, I should be worried, na? हाँ सर, जब तक exceptionally volume ना grow है, तब तक तो I should be worried. जब तक मैं Amazon नहीं बन जाता, बात अलग है. Amazon का model ही अलग है. कॉस्को का मॉडल ही अलग है. बट क्या सोलर में आई नीड अ प्लांट, आई नीड अ वेयर हाउस, आई नीड मशीनरी, आई नीड स्टाफ, आई नीड लेबर, उनका तो खर्चा लगेगा ना. तो माय फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड ना. सो माय सेल्स माइनस माय वेरिएबल कॉस्ट, व्हाटएवर द कंट्रीब्यूशन आई एम गेटिंग शुड कवर माय फिक्स्ड कॉस्ट. अगर मेरा कंट्रीब्यूशन वो कम होता चला जाएगा तो एक टाइम आएगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कवर ही नहीं होगा. दैट इज व्हाई यू सी द एबिटा लॉसेस. द प्राइस ऑफ पीवी मॉडल्स रिड्यूस्ड बाय 22% ईच टाइम the cumulative install capacity into megawatt doubled. जैसे जैसे price नीचे आता चला जा रहा है वैसे वैसे capacity solar module की बढ़ती चली जा रही है. मतलब volume का खेल रह गया, pricing वैसे कुछ है ही नहीं. The average cost of photovoltaic panel described in terms of dollar price of each watt peak, MW छोटा P होता है, dropped from more than $2 in 2009 to $1.5 in 2011. आज के तारीख में आपको पता है ये क्या है MWP का cost? मॉड्यूल का तो नीचे चला गया था, देन यू सेड ऊपर 50 सेंट है, समथिंग लाइक अ 50 60 सेंट आपने एक किसी में बताया था. आज की तारीख में द कॉस्ट इज 15 सेंट्स 15. सो दैट मींस 2011 में जो $1.5 का मेरा पर मेगावाट पीक का मेरा जो मॉड्यूल लगता था, आज की तारीख में उसकी कॉस्ट है 15 सेंट्स 10 सेंट्स. इतना ज्यादा नीचे जा चुका है, मोर देन 90% डिक्लाइन. इतना परसेंट मेरा नीचे जा चुका है तो मुझे वो लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए ना कि माय रॉ मटेरियल कॉस्ट, माय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, माय सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब वेरिएबल कॉस्ट को खर्चा काट के आई हैव टू अकाउंट फॉर माय डेप्रिसिएशन, बिकॉज तभी तो मैं अपना प्लांट एंड मशीन रन कर पाऊंगा. आई हैव टू पे इंटरेस्ट टू द लोन प्रोवाइडर्स, तभी तो आई विल बी स्टेइंग अफ्लोट, अदरवाइज दे विल टेक मी टू बैंकरप्सी. सो मोर नंबर ऑफ वॉल्यूम आई नीड, एंड हिज वॉल्यूम वाज 60 मेगावाट बैक देन. And is projected to decline to $1 by 2013. So my selling price will decline because I am selling modules. See, ek bar ye blip aaya, ek bar ye blip aaya. See again selling price down. See again selling price down, down.
ब्लिप आया, फिर अगेन डाउन, फिर ब्लिप आया, देन खत्म। सो योर पीएनएल एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्स। अगर मैं सेल ही नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम अ डिक्लाइनिंग बिजनेस। दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी ऑफ अ डिक्लाइनिंग अ बिजनेस व्हिच इज गोइंग बस्ट, राइट? आगे चलते हैं। ओके, नाउ 2011 में क्या था कि थर्मल वाज 93,838 मेगावाट्स, थर्मल वाज 54% एंड रिन्यूएबल वाज जस्ट 10%। नाउ द स्टैट्स इज रिन्यूएबल इज गोइंग टू 45-50% ऑफ द टोटल पाई। दिस इज द टोटल पाई, ये जो पूरा पाई है आने वाले समय में। देन ही सेज डिमांड फॉर सोलर प्रोडक्शन इन इंडिया इज राइजिंग, कंपेयरिंग सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम, होम लाइटिंग सिस्टम, पावर प्लांट, कुकर, पंप, वाटर हीटर। नंबर ऑफ सोलर वाटर सिस्टम इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 22% फ्रॉम 2011 टू 2013। ठीक है, सोलर के साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो जिसकी ग्रोथ है महाराष्ट्र व्यवस्था में, जहां भी ये सब चीजें चल रही हैं। दिस इज इंडियन आउटलुक बैक देन। सोलर इंडस्ट्री इज इंडिया इज ग्रोइंग एट रैपिड पेस डिस्पाइट अ डेफिसिट ऑफ 15% इन द ओवरऑल डिमांड एंड 20% इन द पीक डिमांड। मतलब अभी मेरे इंस्टॉलेशन मेरी कंट्री में कम है जितना मेरा ओवरऑल बेसिक डिमांड है एंड पीक डिमांड है। With a 6% growth in demand for power, peak load is expected to reach to 176 gigawatt by 2012 and cross 778 gigawatt by 2031-32. आज के तारीख में our projection is around 837 gigawatts by 2032. This the Modi government has given. वही स्पीड से हम ग्रोथ बढ़ रहे हैं। Now we were only thinking about factories, we were only thinking about housing, we were only thinking about EVs. उस टाइम तो EV के बारे में कुछ था ही नहीं। There is also street lights which we don't think about. There is also solar water pumps, water heaters. ये जो भी चीजें यहाँ बता रहा है, demand is growing endless. That is not the problem. But has my factory or has my unit has the capacity to cater to this demand? Addressable market size बहुत बड़ा है, बट मेरा ऑप्टेनेबल मार्केट साइज क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो रही है, तो मुझे अपने एसेट्स बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं। मैं मेरे एसेट्स वर्थवाइल है ही नहीं, दैट इज व्हाई आई हैव टू सेल दीज एसेट्स टू सम कचरे में या भंगार में। भंगार की वैल्यू तो फुल एसेट की वैल्यू पर तो आता नहीं, और हर 2-3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो आई एम अंडर अ वेरी हाई रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन। Since the major part of India still depends upon perishable source of energy, which is coal, petroleum, among others, it is important to think that the future of is renewable energy. The Indian solar PV recorded a CAGR of 35% from 2000 to 2010, which is exceptional. And its grid connected solar powers from 6 megawatt to 1000 megawatt by 2070, which has way crossed 2000, the 1000 megawatt by now, which is 24, 23, 24. Now, the company's PV cells and modules are used in domestic and commercial purposes. Products are the range from 5 watts to 305 watts. Now, again and again, after as their business went ahead, they had to change the watts, catering to the needs of electrifying the streets, power, light, jobi. We ventured into production of mono-like wafers. They wanted to do backward integration. Wafers is what 6 inches, 8 inches ke wafers aapko kaatne padte hain, to jaake aapke wo cells bante hain. तो नाउ यू सी वारी सेज कि आई एम मेकिंग सोलर सेल्स। ऐसा नहीं है कि सोलर सेल्स बनाने के पहले किसी ने कोशिश नहीं करी, बहुत लोगों ने कोशिश करी, बहुत लोग फेल भी हुए। अब ये कर पाता है नहीं कर पाता है, दैट टाइम विल टेल, दैट वी डोंट नो। तो विच आर टिपिकली लो प्राइस टू एंटर द लोअर एंड ऑफ द मार्केट, तो दे वर नॉट वरीड और दे वर नॉट गोइंग इन फाइटिंग फॉर द लीडर्स, दे वर गोइंग टू द लोअर एंड ऑफ द मार्केट कि मुझे बैकवर्ड इंटीग्रेशन मिल जाए। दिस इज द नेक्स्ट चैनल रिपोर्ट। They say that the PV industry is severely impacted. Just 1 second. Huh? Bolu ji. Haan. Toh main yahi se baat kar le. Phone kar le. The company has doubled its PV capacity to 60 megawatt. 60 megawatt is what? Aaj ke tarikh mein to wari renewable to pata nahi kitne kitne megawatts ke rooftop solars bana raha hai. Our hope is derived from stable PV prices in the first quarter of 2012-13. Now please rewind 2 minutes of your life. This guy was jumping. Wow, the prices are down. Now, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? Now he says, our hope is derived from stable PV prices. तो मैं आ रहा?
यस सर, और अब एकदम होप इज डिराइव्ड में आ गया। पहले तो बड़े खुश हो रहे थे कि द प्राइस इज फॉलिंग, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग टाइप का, और अब एकदम दैट इज नॉट द ग्रेटेस्ट बिकॉज योर बिजनेस इज गोइंग डाउन। देन ही सेज इंडियन आउटलुक इज दिस 176 है, ये 778 हो जाएगा, 6000 ये सब मोटा मोटा हम देख चुके हैं। आई थिंक ये वही वही चीजें आएगी वापस। हाँ, देन ही सेज प्राइसिंग, वी विटनेस अ सब्सटैंशियल ओवर 60% फॉल इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस व्हिच प्रीकोलेटेड डाउन टू रिड्यूस द फिनिश गुड प्राइसेस। ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरा रॉ मटेरियल का प्राइस गिर गया और मैंने फिनिश गुड का प्राइस वही रखा, अगर ऐसा होता तो मेरे मार्जिन शूट अप हो जाते, 60% मेरा फॉल हो गया मेरा आरएम प्राइसेस, तो मेरा सेलिंग प्राइसेस भी कंपैरिजन में कम हो गया। ठीक है, नथिंग हैपेंड टू माय मार्जिन। द कंपनी सफर्ड अ ह्यूज ब्लो ओइंग टू लॉसेस इन द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, प्री ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोडक्शन। जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट, मानो अभिषेक जी सोलर बनाते हैं, अभिषेक जी ने राकेश सर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको इतने मेगावाट का सोलर बना के दूंगा, और ऐसा तो नहीं कि रातों रात सोलर बन के तैयार हो जाएगा, टाइम तो लगेगा प्रोडक्शन करने में। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, अभिषेक जी ने 6 महीने के लिए हिसाब से रॉ मटेरियल लेके रख लिया। वो होने के बाद रॉ मटेरियल का प्राइस गिर गया और सामने वाले पार्टी ने बोला कि आपको देना तो दो, मैंने आपको 10% एडवांस दिया है, बाकी का माल देना तो दो, नहीं तो आपके पास रखो, मैं दूसरे से ले लूंगा। Why will I take a 60% hit? So the inventory you bought at high prices because of the contracts which you had entered, you had to take an inventory hit. Okay? And because of that, you had more losses. So are you getting some sense of the strength of the business? Does the business have any kind of strength? No. No strength at all. No. So raw material prices collapsed 60% between April and November 2011. मॉडर्नाइजिंग एंड प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, जो मेरा 14 रुपीज पर यूनिट का मेरा प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस था, वो रह गया 4 रुपीज पर यूनिट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ माय प्रोडक्ट, ऑफ माय प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस? 14 का 4 रह गया, 28% रह गया, 70% ड्रॉप, 72% ड्रॉप, 28% रह गया। बट अगर आप देखो इस पीरियड में जाके आपकी सेल कितनी गिरी है, 143 की 114, इसका मतलब अगर मैं 143 करोड़ के अंदर 14 रुपीस यूनिट की सेल कर रहा था, तो 4 रुपीस की यूनिट की सेल करने के लिए मुझे कितने ज्यादा मॉड्यूल बेचने पड़े होंगे, उसके बावजूद भी मेरा सेल्स इज नॉट अप टू द मार्क। हैज माय बिजनेस गॉट एनी स्ट्रेंथ? जीरो स्ट्रेंथ, इट इज अ बोगस बिजनेस। Right? It is a bogus business. There is no strength in this business. It is clearly mentioned over here. Bhai, main samajh pa raha hu main kya bolna cha raha hu? Ki mujhe kitna aur volume bechna padega us level of revenue karne ke liye, absolute in crores or in lakhs, whatever the amount is. Subdued demand in Europe. Main karta kya tha ki ye sara ka sara bana ke Europe bechta tha. Ab Europe mein demand khatam ho gayi. Ek to mera raw material ka price mar gaya. Mera unit selling price chala gaya. अब मेरा कस्टमर जो मेरे से बाय कर रहा था वो चला गया। वी विटनेस्ड अ स्लैकिंग डिमांड इन यू रीजन इन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिकल ट्रबल्स, हाउएवर इट एक्सपेक्टेड दैट दिस हाईली फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री? एनीबडी? सर बड़ी बिखरी सी है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल। यस, इस इंडस्ट्री के अंदर छोटे बड़े बहुत सारे वेंडर्स हैं जो आपको ये सेम प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। And again, a very basic point comes over here. When price is the single most determining factor of your buyer's decision, you are dealing with a commodity type product. It is a fragmented industry. My selling prices has collapsed because my raw material prices have collapsed, and my buyer has collapsed because there is no demand in Europe, which is my main buyer. So, मैं दोनों तरफ से मर गया. And he says, however, it is expected that highly fragmented industry is likely to consolidate on account of increasing collaborations between Indian and European firms. इसका मतलब ये है कि इंडिया इज अ नॉट स्ट्रॉन्गर कंट्री एज यूरोप इज। यूरोप वाले कह रहे हैं कि इंडिया में जो बंदा मर गया, जो बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा, जो कुछ नहीं कर पा रहा, आई विल गो एंड बाय हिज कैपेसिटी एंड टेक हिज यूनिट एंड रन द शो एंड प्रोड्यूस द मॉड्यूल्स एंड गेट इट टू यूरोप एंड सेल इट टू माई कस्टमर।
तो ये से फ्रेगमेंटेड बिखरे बिखरे छोटे 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 जो यूनिट्स हैं वो मर्जर्स हो रहे हैं ताकि वो कंबाइन हो सकें और वो जिंदा रह सकें, बिकॉज इट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, देर इज नो बायर. नो इट इज गुड वी आर ट्राइंग टू लुक अपॉन वेबसॉल. इससे आपको थोड़ा विक्रम सोलर का और वारी का जो थोड़ा इतना ज्यादा फोमो हो गया ना मार्केट में, उसको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यार अगर ये इसके साथ हो सकता है तो उसके साथ भी हो सकता है. Right, there was an article which I posted in the Solar Thread that Wari is getting so much and so much and so much of quantity from China and is selling to US. कल को US में भी slowdown आ सकता है. So that is the point I need to track and this will not be coming on my chart on the stock list. अगर US के अंदर slowdown आ रहा है तो Wari को hit मिल सकता है. He is not 100% protected. वो ALMM है या जो भी है. So this is a risk which I should be aware of. So my eye should be trying to figure out कि यार US में कोई slowdown तो नहीं आ रहा है. Getting it? And how can I understand this when I'm studying Repsol? तो इसको आज में यूरोप में छोड़ा में ये मर गया था. तो and European firms were subsidiary cuts in the key markets like Germany and Italy will result in a global oversupply of solar panels. क्यों बना रहे थे हम सोलर पैनल? क्योंकि गवर्नमेंट से हमारे को सब्सिडी रहता बनाने के लिए. अभी गवर्नमेंट बोला साहब काम खत्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है. फिर global oversupply. That means my 14 rupees a unit, which came down to 4 rupees a unit, is still prone to go down more. And if this goes down more, my sales will go down more. My business will go down more. Does it make sense to buy this business just by the stock price is going up, circuit? वो कुछ भी, कोई भी reason हो सकता है, अपने को नहीं पता. Does it make any sense? Are you comfortable with this? I am not. आपका पता नहीं. नहीं, ये तो डब्बा कंपनी हो रहा है सर. आई डोंट नो देन व्हाई, कैसे इट्स गोइंग एंड इट्स हिटिंग द सर्किट. हाउ डू दे मैनेज दैट? आई डोंट नो सर. आई एम नॉट एन ऑपरेटर इन द स्टॉक मार्केट हु इज मैनेजिंग द सर्किट्स अप एंड डाउन. आई डोंट नो, बट द बिजनेस इज नॉट बैड. आई वुड बी द बी विद द गुड बिजनेस, नॉट विद द प्राइस. आंसर दे दिया. ठीक, ओके. आई एम नॉट लुकिंग एट द चॉक प्राइस एंड आई एम नॉट अ टेक्नोफंडा ट्रेडर. इट्स हार्ड अर्न मनी. सो वन क्वेश्चन. Yes, please. Yeah. So about the stock prices going high up in the market, what you're saying is something which I think anyone can see the balance sheet and clearly know this is not going up. So yes. This way, does that mean that most of the people are not even concerned about this balance sheet? Why should be they concerned? They're looking at the stock price now. They're looking at the trading view chart. Unko balance sheet khol ke dekhna aata hoga to dekhna. Sir, सामने कुछ तो देखते होंगे कि sales. अरे sir. क्यों देखते होंगे? दिस इज योर स्टॉक प्राइस चार्ट एंड योर स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप एंड क्यों देखते होंगे? एंड दिस इज योर एक जस्ट लेट मी मिल भी नहीं रहा था. दिस इज योर ब्रेकआउट. आया स्क्रीन? मेरा स्क्रीन नहीं आया. यस, आ गया सर. आ गया. आया. यस सर. दिस इज योर ब्रेकआउट एंड दिस इज योर ब्रेकआउट एंड दिस इज योर ब्रेकआउट. वो तो सिर्फ ब्रेकआउट देख रहे हैं ना, उसको क्या मतलब है बैलेंस शीट में? ये मैं तो आपको स्किनर का चार्ट दिखा रहा हूँ. दे आर लुकिंग एट द ट्रेडिंग व्यू चार्ट एंड दे आर पुटिंग कप एंड हैंडल. It is dead end. Yeah, it is a dead end. Yes. It is a dead end. If somebody is doing that, I don't have an answer to that. Why? If somebody is jumping into the well, is it compulsory I also jump into the well behind him? So, but then that's also very clear that if all this, obviously this is correct, then in the next couple of months we'll see the results also. Obviously, there is a catch over. There is a catch over here. I'll come to that. DPM तो बुरा खत्म हो गया है ना? हाँ, there is a catch sir, there is a catch. I'll come to it. Renewable purchase obligations. Indian government has imposed a renewable purchase obligation that mandates distribution companies open access consumers and captive consumers to buy a certain percentage of their total power requirements from renewable energy sources. Government कोशिश कर रही है कि renewable energy sources को जिंदा रखे. This was back in 2012-13 something like that. The obligation will become increasingly stringent in 13-14. As the government plans to impose penalties on industries, houses not complying with this policy. तो ये अगर आपको 100 किलोवाट बिजली चाहिए, 1 मेगावाट बिजली चाहिए, उसका 20% 30% आपको renewable sources से लेना पड़ेगा. This was back then when the Congress government was there before 2014. Then they say RECs are generation based certificates. कुछ certifications कर दिया, कुछ mandate कर दिया कि इतना आपको solar से लेना पड़ेगा. उस time solar का इतना buzz नहीं था. The cost of solar panels has come down to as low as 8 rupees a unit from 18 rupees a unit 3 years ago, thereby
डेमोक्रेटिजाइजिंग एंड वाइडनिंग डिमांड, सस्ता हो रहा है। और यही चीज ईवी के अंदर भी होनी है। अभी ईवी यहाँ है, कल ईवी भी यहाँ आएगा, तभी तो आप लोग लोगे, ये तो कौन लेने वाला है। नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ईवी के अंदर भी सेम चीज होनी है। सर वन थिंग इन द सर इन द लास्ट स्लाइड, द बॉन्ड वाली स्लाइड, उसमें द पावर बॉन्ड हैड सम डिफरेंट मीनिंग जो आरईसी बॉन्ड था। कैन यू जस्ट सी दैट? या दिस वन आरईसी द जनरेशन बेस्ड सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड प्लस देयर वर सम बॉन्ड्स एंड ऑल व्हिच वर इन डीमैट फॉर्म। व्हाट डज दिस मीन इलेक्ट्रॉनिकली इन डीमैट फॉर्म? आर जनरेशन बेस्ड सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिक इन डीमैट फॉर्म टू दोस जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज विंड, बायोमास, हाइड्रो एंड सोलर। इफ दे ऑप्ट नॉट टू सेल द इलेक्ट्रिसिटी एट प्रेफरेंशियल टैरिफ, दीज सर्टिफिकेट्स आर ट्रेडेबल ऑन पावर। मतलब अगर आप ये रिन्यूएबल सोर्सेज से आपके पास एनर्जी जनरेशन है, यू डोंट वॉन्ट टू यूज इट, यू आर जनरेटिंग इट, और आपके पास एक्सेस है और आपका वो 10% 20% जितना भी मैंडेट है गवर्नमेंट का, बाकी का आप ये बॉन्ड किसी को बेच भी सकते हो इन डीमैट फॉर्म सो दैट अदर गाय कैन यूज। व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट? मतलब आपने मान लो 1 मेगावाट का आपका रिक्वायरमेंट है, 20% आपको रिन्यूएबल चाहिए, आपने मान लो 300 किलोवाट या 500, मतलब 30% या 40% बना लिया, ऊपर का 10-20% आप बेच भी सकते हो। राइट, इफ यू गॉट मोर कैपेसिटी, इफ यू गॉट मोर कैपेसिटी सो दैट मीन्स यू कैन प्रॉफिट फ्रॉम दैट ऑल्सो। India's power deficit is 9% is likely to continue over the next few years. Besides the gap between power purchase costs and the tariff is severely constrained, the finances of state power utilities with a net loss of 88,000 crores. Solar energy appears as alternative, attractive alternative in this regard. Government apna losses cover karna chah rahi hai. So this is the opportunity what they were saying. यूएस के अंदर इतना है और हमारा रिलेशनशिप इतना है और हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये सब वो सब चीजें। सो वेब सॉल स्केलेबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 60 कैन बी इजिली डबल्ड एट मिनिमम कैपेक्स, दिस वाज अ वेरी गुड थिंग। सो दिस वाज 12-13 क्या इन्होंने किया, तो क्या 12-13 में इनका जो भी एसेट रहा होगा क्या इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, वो आगे जाके देखने की बात है। सो वन सेकेंड, हाँ यहाँ थे हम। Then they say the government is targeting a 20-fold rise. That means the size of the industry was rising dramatically. And solar generation to reach 20 gigawatt by 2022 nikal chuka hai. Aaj ke tarikh mein 20 gigawatt se hum bahut aage aa chuke hain. It's look like this. 1/2% of points of annual economic growth, which is good. Conclusion that the which stabilize, now again he says, with stabilizing PV prices, technology upgrades, cost optimizing and government initiatives, we expect to counter the sectoral challenges and return to profitability over the foreseeable future. तो इसने चार रिस्क कंक्लूजन में बोल दिए, गिरते हुए पीवी के प्राइसेस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजिंग एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग कम कर देगी, गवर्नमेंट अगर एड देना कम कर देगी, मर गए। टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होगी, मर गए। स्टेबिलिटी पीवी के प्राइसेस बार बार गिरेंगे, गॉन। कॉस्टिंग्स बढ़ जाएंगी, गॉन। सो दीज आर द फोर रिस्क व्हिच द बिजनेसेस ऑफ सोलर एनर्जी हैव। नाउ दे से वी नीड टू अडैप्ट विद स्पीड ऑफ इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ कंपटीटिव मार्केटप्लेस। अगर कोई दूसरा प्लेयर एंटर कर जाता है मेरे मार्केट में विद अ न्यू टेक्नोलॉजी विद अ लोअर प्राइसिंग, आई नीड टू चेंज, एल्स आई विल लूज बिजनेस। द रिजल्ट वाज दैट द कंपनी कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज कॉस्ट रिडक्शंस। देयर इज अ लिमिट ऑफ कॉस्ट रिडक्शंस, कितना कॉस्ट रिडक्शन करोगे। पर अगर ये कॉस्ट रिडक्शन कर रहा था 12-13 में, तो क्या आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आता 11-12 तक? इफ यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, यू आर ऑल्सो द एम्प्लॉय ऑफ द, योर डायरेक्टर इज ऑल्सो द एम्प्लॉय, वॉट लेवल ऑफ सैलरी यू आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू योर प्रॉफिटेबिलिटी टिल 11-12 एंड यू आर यू आर सेइंग यू वांट टू रिड्यूस कॉस्ट, हैव यू टेकन अ रिडक्शन इन योर सैलरी? द आंसर इज यस, देन दीज लाइंस आर वेरी ग्लूमी, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यू टुक अ इंक्रीज इन द सैलरी। धंधा अच्छा है बुरा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? उसने अपनी सैलरी इंक्रीज कर ली, धंधा तो मर रहा है। इज ही गुड? नो और नो, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नो सर। कंपनी कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज कॉस्ट रिडक्शन थ्रू वैल्यू इंजीनियरिंग ऑन वन हैंड एंड एनहांस प्रोडक्शन ऑन अदर हैंड। वाओ,
तो आप भी तो कुछ हेल्प करो कंपनी का कॉस्ट सेविंग होने में. सो देन ही सेज आई हैव अ ह्यूज अनसोल्ड इंडस्ट्री इन्वेंटरी अक्रॉस नंबर ऑफ यूरोपियन पोर्ट्स. तो यार पोर्ट पे अगर कोई माल पड़ा रहता है तो क्या होता है, उसका डैमेज कॉस्ट लगता है. और वो डैमेज कॉस्ट यूरोस में पाउंड्स में, उस टाइम तो यूरो पाउंड होता था, वो यूरो था नहीं, पाउंड चलता था या जो भी करेंसी वहां की चलती थी, या फ्रांस चलता होगा जो भी. सो डैमेज कॉस्ट भी तो इन्हीं को बेयर करना पड़ता होगा. और कभी कभार तो डैमेज कॉस्ट आपके प्रोडक्ट कॉस्ट से ऊपर चला जाता है. नाउ हाउ डू यू रिव्यू योर परफॉर्मेंस ऑफ 11 12? सो दे से वी हैव गॉट अ ह्यूज अनसोल्ड इन्वेंटरी ऑन द पोर्ट इन यूरोप. द कंपनी बिगन टू प्रोड्यूस मटेरियल ओनली अगेंस्ट ऑर्डर्स. इसका मतलब आई एम नॉट रनिंग ऑन फुल कैपेसिटी. मेरे को ऑर्डर आएगा तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं फुल कैपेसिटी पे पहले काम कर रहा था तो ज्यादा माल बनाया. देयर वॉज अ मॉडेस्ट रिकवरी इन जैन 2011 ऑनवर्ड्स एंड द कंपनी रिस्पॉन्डेड टू एनहांस प्रोडक्शन एंड सेल एफिशिएंसी. वाओ, मॉडेस्ट रिकवरी इज सेलिंग ऑन सेल. सो दैट मींस दे वर नॉट एबल टू रन एट फुल कैपेसिटी. And slow down in the content translated into staggering offtake. Two low cost Chinese products threaten the profitability of most manufacturers. Can this one line answer us what is the power or what is the strength of the business? China से दो नए बंदे आ गए, नया technology लेके कम cost में और हमारी band बजा दी. Websol included. The result was the company suffered from a low capacity utilization, जो हमने देख लिया पहले वाले स्लाइड में, on its installed capacity of 60 megawatt. ऐसे टाइम में तो कैपेक्स करने में कोई सेंस नहीं है. And declared an increase by deferred any increase beyond this level. The market dynamics that have evolved with Indian emerging as a major international buyer led by the company to the strategic focus, because Websol had to focus on different international markets. यूरोप में तो मैं पिट गया, चाइना वाले बंदे घुस गए अंदर. तो टिल ईयर कुछ भी लगा आपको इस धंधे में कोई स्ट्रेंथ है? नंबर्स भी डिक्लाइनिंग है. But he is still carrying on. That is a big thing. And over the छोड़ ही नहीं रहा मैंने. He is not dumping the business. जैसा ये छोड़ेगा सर, क्यों छोड़ेगा? He's trying ना, he's the owner. You are not the owner. आठ साल ट्राई थोड़ी होता है सर, कभी क्यों नहीं होता? अरे पब्लिक का पैसा है ना सर, पब्लिक को दे रही है ना प्रेफरेंशियल में, पब्लिक का पैसा है, मेरे जेब से क्या लग रहा है? ठीक है, नहीं अमेज़न लोग देंगे भाई, 20 साल ब्लीड किया था, बट अनलेस ही इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट दैट. मैनेजमेंट की जेब में पैसा जा रहा था ना सर, लेकिन नहीं वो समझ गया मैं. His entire focus was that only. But he is taking salaries, no? Why will he leave 10 crores, 5 crores worth of salary? ठीक है नहीं ठीक है. आपको क्या करना है? आपको मैनेजमेंट का ध्यान रखना है या अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखना है? नहीं पोर्टफोलियो का, बट ये तो बात ठीक है. Why worried what the management is doing? If he is correct, be with him. If it is not correct, you cannot influence his decisions. Yeah. The company focused on reduction of raw material cost by 10-15%. अभी फिर प्रोडक्ट रिडक्शन की बात आ गई. To use of alternate raw materials. अभी ये जो alternative raw materials में use कर रहा हूँ, क्या इसकी क्वालिटी मेरे बेसिक रॉ मटेरियल के बराबर है? अगर तो है अच्छी बात है, और अगर नहीं है then my quality will also go down. If my quality will also go down, I will lose sales, I will lose market share. Besides, the company has improved the glass type which improved the module output and other materials like EVA sheets and back sheets, helping reduction in cost. So this is the time when the solar modules were again changing, technology was changing. EVA sheets is jo upar bhi lagti hai, niche bhi lagti hai. I have seen EVA sheets. I can tell you what EVA sheets are. The company also strengthened module output by 2.5%. For instance, it strengthened this output by 245 watt module to 251 watt. Ki strength bada di. Enhancing customer value, it enhanced cell efficiency from 17.4% to 18.6%. Cost kam ho raha hai, lekin main andar saman zyada laga raha hu taki mera maal bike. Now he says, Websol intends to strengthen its competitiveness without compromising cell efficiency or output. The company intends to use different wafer kinds. Again, the technology got changed to
प्रोड्यूस लो कॉस्ट सेल्स, ठीक है, ताकि मेरा खर्चा कम हो. इन इंडेक्स ऑफ द कंपनीज अडैप्टेबिलिटी इज द वेयर एज प्रीवियसली द कंपनी यूज मोनोक्रिस्टलाइन वेफर्स टू प्रोड्यूस सेल्स एंड मॉड्यूल्स, इट इज नाउ मेड अ सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन टू मोनो लाइक वेफर्स. पहले मैं मोनोक्रिस्टलाइन यूज कर रहा था, अब मैं मोनो दिखने वाले जो है उसके जैसे वेफर यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे सस्ते पड़ रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी वही क्वालिटी वही रहा होगा या क्वालिटी गिर गया होगा? सर क्वालिटी गिर जाएगा तो बिजनेस और डब्बा हो जाएगा. कह रहा है ना, डब्बा हो गया. मैं सीमेंट बना रहा हूँ साहब, सीमेंट में रेड ऑकर चाहिए, सीमेंट में जिप्सम चाहिए, एक में रेड ऑकर और जिप्सम एक्चुअली माइंस में से लाके उसमें सीमेंट में मिक्स कर रहा हूँ, एक में रेड ऑकर के जैसे जैसा दिखने वाला चीज लाके मिक्स कर रहा हूँ, दोनों में सीमेंट ही बन रहा है. कोई बिल्डिंग गिर जाती है ना, इंजीनियर को सब पकड़ते हैं, सीमेंट का कोई कुछ नहीं बोलता है. Going ahead, the company plans to process the hybrid wafer full scale in 2012, 13 reinforced with some 35 certifications. Vepsol intends to run its production capacity at full capacity in 12-13, reducing cost per megawatt and strengthening the competitiveness. 12-13, ये आ गया जी आपका 12-13, यहाँ से यहाँ आपके फुल काम हो गया और आपने इतना कॉस्ट कम कर दिया कि आप 8% लॉस से 5% प्रॉफिटेबिलिटी में आ गए, लेकिन फिर भी कहानी लॉस ही है क्योंकि धंधे में जान नहीं है. सर यहाँ तो कोई अदर इनकम का मैटर है, जो अदर इनकम में लॉसेस है 39 लाख करोड़ के, इज इट बिकॉज ऑफ दैट? यस इट इज बिकॉज ऑफ दैट, इट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट. सी एक्सेप्शनल्स, अब वो एक्सेप्शन उस साल में कुछ भी ना होंगे. सी देयर इज नेवर वन कॉकरोच इन द किचन, कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम आती रहती है. करेक्ट, राइट. नेक्स्ट, बस मैंने ज्यादा तो पढ़ा नहीं, थोड़ा ही पढ़ा. 2011 में 75% वर्ल्ड कैपेसिटी था, 5 गीगावाट, ये सब चीजें, ये ऐसा बढ़ जाएगा. चाइनीज पीवी मार्केट के बारे में क्या है, दीज आर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, कितना वो ग्रो कर रहा है, पीवी मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस इन द कंट्री एट दैट टाइम. And adding the cost, transmission and distribution losses pegged at 40% make. Ab again prices gir gaye, again losses hone lag gaye. So can we the outsider have a guess ki kitna loss aayega, kya nahi hoga, kaise kaise iske prices jayenge? See, solar gate, silicon wafers and other raw materials required for manufacturing of cells consider 70-75% company's manufacturing cost. This demand could be affected to increase raw material cost. बार 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 ये वही चीजें बता रहा है कि ये मेरे रिस्क हैं. तो दे सेड देन दे मेली ड्यू टू द क्राइसिस इन यूरोप, देखा यूरोप के अंदर शार्प डिक्लाइन इन सेल्स रियलाइजेशंस, हिस्टोरिक डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपोर्ट्स के भी दिक्कत आएगा डॉलर और वैल्यू का. देन दे हैड अ डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग ऑल्सो, मेरे पास पैसे ही नहीं है डेब्ट चुकाने के लिए, आई हैड टू गो फॉर अ डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग विद द बैंक, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Then you come to the next report. They say the current period of 2012-13 financial year, rupee dollar के वजह से ये मेरा काम हो गया. This is 2013 annual report. ये इनकी forex के झमेले जो थे. This is that. Then 70 gigawatt, कितना मेरा capacity हो जाएगा, कितना मेरा market से share चला जाएगा, polysilicon में क्या हो रहा है, renewable energies in India के अंदर क्या चल रहा है. तो टिल ईयर आई हैड डन टिल लास्ट नाइट, और जवाहरलाल नेहरू स्कीम में क्या इनको स्कीम मिल रही है, टैरिफ क्या होते चले जा रहे हैं, पहले 1 मेगावाट के लिए कितना पैसा लगता था, किलोवाट के लिए अब कितना लगने लग गया, धीरे धीरे द कॉस्टिंग इज गोइंग डाउन, स्टिल द कॉस्टिंग इज गोइंग डाउन, व्हाट वाज हैपनिंग इन द ऑपरेशंस देन, व्हाट वर द डायरेक्टर्स डूइंग, रिन्यूएबल एनर्जी उस टाइम में क्या थी, व्हाट वाज द अनटैप्ड पोटेंशियल, अनटैप्ड पोटेंशियल स्टिल वेरी हाई. So till year I reached, सपने दिखा के बेचते चले जाओ, untapped potential दिखा दिखा के बेचते. बस का ये last three slide में कोई टिब्रे वाला भी था, last third उसमें टिब्रे वाला क्या था, टिब्रे वाला वेबसाइट में डायरेक्टर था, तो 2014 में टिब्रे वाला डायरेक्टरशिप से रिटायर होके चला गया, जो टिब्रे वाले का भी नाम आया था ना अभी. हाँ नहीं नहीं उसमें दिखा था, इसमें स्क्रीन में दिखाया था आपने, एक just glance हुआ था. सर आपने कहा था कि there's some happy thing in this, वो तो some catch in it, वो तो बताया ही नहीं.
और मैंने हैप्पी नहीं बोला, मैंने कैच बोला था। अच्छा क्या हैप्पी आपने जोड़ दिया, आप हैप्पी हो सर, आपने रिटायरमेंट ले लिया, आप हैप्पी हो। चलो चलो ठीक है। Why the stock price is going up? They say that we are doing a capex of 100 crores. Now there is a perception. This new capex would come and the new earnings would come. The new capex would come. The new earnings would come. That is why there is a perception. So what is the cash? The cash is here. And you see, in the last 3-4 period reporting periods, has anything happened to the book value? The reserves. Reserves जा रहे होगा। ऊपर गया तो इतना constant है। मैं इतना इतना डाइल्यूट कर रहा हूँ तो भी मेरे रिजर्व बढ़ी नहीं रहे क्योंकि मैं लॉसेस कर रहा हूँ और राइट ऑफ कर रहा हूँ। नाउ सी द वेरी गुड पार्ट, 2021 आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ मच 49 करोड़, 2022 में मेरा प्रॉफिट कितना है, 2022 का मेरा प्रॉफिट कितना है, 10 करोड़। तो 2022 में मेरे इसमें 10 करोड़ बढ़ जाना चाहिए ना। हां जी, ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मैंने डाइल्यूट किया। अगेन 2023 का मेरा प्रॉफिट कितना है, -24 करोड़। तो यहाँ मेरे को 24 करोड़ माइनस हो जाना चाहिए। हाँ जी, पर नहीं हुआ क्योंकि मैंने डाइल्यूट कर दिया। लास्ट फोर क्वार्टर्स टीटीएम, फोर क्वार्टर्स 1234 और 1234 टीटीएम, और चल चलो सितंबर तक देख लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर कितना प्रॉफिट किया मैंने, -9 करोड़। How can my reserves go up by 6 crores? Dilute भी नहीं किया उसने। सब गोलमाल है। अच्छा। But हाँ, एक बात तो सबसे बेस्ट है। पूछो क्या? प्राइस बढ़ रहा है। नहीं, वो एक एक कप और एक हैंडल बन रहा है, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए आप ले लो। सर इसका प्राइस टू सेल्स तो बहुत ही जबरदस्त होगा। इसका प्राइस टू सेल्स कितना है, कहाँ गया, 1862। ऐसे ही प्रीमियम सर हमको भी मिल जाए। मजा आ जाए यार, ऐसा प्रीमियम मेरे को मिल जाए तो मैं स्टॉक मार्केट छोड़ के भाग जाऊँ। अपन आईपीओ लाते हैं और अपने को ऐसा प्रीमियम मिल जाए, भाग जाएंगे फिर अपन। डोंट गेट इनटू द फ्रेंजी, मरने वाला काम है। Then again, no advice to buy or sell. Please do your own analysis. I can just decode the business. I cannot give you an advice to buy and sell. But sir, ये PV cells का और ये panels का, it's a grim picture the way he articulated it, right? And that was. I am thankful to Santoshi because he pointed out this company. For me, reading this company, I am trying to relate this to today's times, which is Wari and Vikram. बाकी मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा इस बिजनेस को मैं क्या वैल्यू करूँ। डिक्लाइनिंग बिजनेस है तो, लेकिन इसके पास कुछ कैपेसिटी तो होगा, बढ़ा रहा है ना, दैट्स व्हाट आई सेड। लेकिन इसके चार क्वार्टर के सेल्स आप देखोगे तो 0000 ही है, तो अगर कैपेसिटी है तो सेल्स तो एटलीस्ट आने चाहिए थे। वो हो सकता है ना कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया हो, दैट इज व्हाई ही इज मेकिंग द न्यू एसेट्स ऑफ 100 करोड़ सीडब्ल्यूआई। 100 करोड़ आई नीड टू रीच टू द 2023 एनुअल रिपोर्ट। कल रात को तो स्टार्ट किया है इसको, ठीक है सर। अभी मैंने आपको 3-4 एनुअल रिपोर्ट्स का डिकोड किया था विद दिस 3-4 एनुअल रिपोर्ट्स व्हिच यू अंडरस्टूड। डू यू स्टिल फील दिस बिजनेस इज इन्वेस्टेबल, टेक योर ओन, मेक योर ओन। नो सर बट जस्ट अ स्मॉल थिंग, यू नो दिस इज नॉट अ गुड बिजनेस, स्टिल यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू रीड इट, इट्स ओनली सो दैट यू कैन हैव अ व्यू ऑन वारी, दैट इज ओनली रीजन। नहीं तो क्या रीजन है मुझे बताइए, आपको तो पता है ये डब्बा है, यू आर नेवर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस, व्हाई यू वुड बी रीडिंग और व्हाई यू वुड बी ट्राइंग टू अपडेट। आई वुड बी लकी ना, व्हाई आई वुड गेट टू लर्न मोर and these things can benefit me some other place. I would be like, I'll get to learn more because I know none of you will read, so let me read and enjoy and share. like portfolios compound, knowledge also compounds, so I will to read. I will not spare it, I will read it today only. yeah
And sir, one thing more, this balance sheet which you were saying, and you were saying ki balance sheet mein ye anomaly hai sari, and they have done all this. So no one points out this anywhere. I mean, all these are put on the web itself. Why would anybody point out, sir? Everybody's Because after. SEBI also gets this, everyone gets this, so they are not audited at all. They're audited. Okay. So They are this, audited. what you see as a blatant thing, I mean, I think this should be picked very quickly if we can. But now you know, sir, people in chart groups or looking up, running after the price are not even looking at the numbers. उनको मतलब ही नहीं है ना इन नंबर से. दे वॉन्ट 5%, 10%, 15% गेम ओवर. सो दे वॉन्ट टू हंट फॉर अ न्यू प्रे मे बी एवरी 2-3 days, एवरी 10 days. आई थिंक फॉर वो भी टेक्निक, मतलब आई थिंक जिसको वो टाइम है सूट करता है, दैट इज आल्सो वन टेक्निक, बट देन इफ यू वांट टू हैव पीसफुल इन्वेस्टिंग देन दिस इज द वे. सर, इफ यू हैव वांट टू हैव पीसफुल इन्वेस्टिंग एंड इफ यू हैव टाइम एंड आपको सूट करते हैं, देन स्टिल गो फॉर गुड बिजनेसेस ना, स्टिल गो फॉर क्वालिटी बिजनेसेस. इफ यू वांट टू रन आफ्टर द प्राइस आल्सो, डोंट गो आफ्टर डब्बा बिजनेसेस. यू कैन फेल वेरी आई बैडली एग्री. ऑन आई दैट. थिंक I think most of the people agree now. I mean, some people would disagree that if you are doing all this thing and you're going deep, probably at the end of the year you'll have better returns than most. No. Sir, see, for me personally, I'm not bothered for a year. Maybe the next 10 years. I want to Maybe see the next next. 10 years. Yeah. Yeah, I want to see the next 10 years. Can I do something good to my portfolio? Right? Year on year carry. And secondly, even if I have the time and I have the energy to run after the price, like a Technofunda breakout or a Cup and Handle breakout, why not go and do all my price charting in good businesses or some Yeah. businesses where there is some substance? This business has got nothing. Only Sir, there is this, about and then that. anyway, Sir, and this what you're only saying is, there is. yeah. Sir, so only there is a perception that they is doing a CapEx of 100 crores and we might be getting some new technology, so something good is coming. And you never know when they'll You come never on. know when they'll come on. नहीं, Let ये me. खाली एनसीएलटी में जाके इसका सब साफ सूफ करके तब ये चलेगा, नहीं तो तब तक तो ऐसे ही रहेगा. सर, जस्ट टू वाइप आउट एवरीथिंग क्लीन, आपका शेयर कैपिटल डाउन करके किसी को बने. पर ऐसे ऐसे कोई लेगा भी, अगर कोई टेक ओवर भी करेगा, बहुत गंद है इसमें सर. आई थिंक, पता नहीं. तो ले ही रहे ना सर, इन फैक्ट ऑफ द ट्रैक, बट देर आर सम एडवाइजरीज ऑल्सो एडवाइजिंग दिस स्टॉक. आई नो ऑफ मेनी या फ्रेंड होल्डिंग दिस स्टॉक. आई आस्क देम टू सेल एंड दे लाफ एट मी. फिर मैंने डॉक्टर साहब की रिपोर्ट शेयर की उनके साथ, डॉक्टर विजय मलिक की, तो कुछ लोगों ने सेल किया, कुछ लोगों ने फ्री क्वांटिटीज रख ली, एंड कुछ लोग आर वेटिंग फॉर 10x इन दिस स्टॉक फ्रॉम 80s लेवल, मतलब 800-900 के लेवल के लिए. Sir, I don't know. It can become 10x. I have no view to track the price or manipulate the price. Let me read. I still reached 2013 year. There are six, seven, six, five or six reports more. Give me some time. Maybe till the evening today. I'll update you more on this. So keep a watch on the web call thread. You'll be getting You'll be getting more. Yes, sir. And in entire thing, there was one thing more, sir. You were saying, mean all these things coming from China and getting rooted through these companies, Wari and all. I recently was reading some article in which America is putting, some anti-dumping things on Vietnam and other places through which Chinese goods are, they have remodeled and sent to America. So you never know tomorrow that happens to these companies also. It can happen. It can happen. That is a risk. So reading all this and going through all this, we get to know what is the risk in the business. Maybe Wari ka bahut FOMO hai. Everybody wants to buy Wari. Wari le lo, Wari le lo. But we should be aware of the risk also, na? This is a risk. And you are right, And sir. the other One company you're question. talking about, this solar, Vikram Solar, it is not a listed company, is it? It's a private company, sir. Yeah, okay. So I didn't find it. So I found it was not listed. So I thought It's a private company. I have briefly seen the annual reports, and they were selling at around $300. Then suddenly the price has collapsed. Now they are selling at $150. It has gone down by Yeah. 50%. Yeah, unlisted market, it was 150 that we have. Yes, the prices have collapsed. So just one thing, I think I've asked even on the forum, आपने डाला था कि भाई वारी चाइना से लेके यूएस में डाल रहा है क्योंकि चाइना के पास में एंटी डंपिंग है. वाई वाई शुड बी इंकरेजिंग दैट, एंड उसको क्यों चाइना को ऐसे हेल्प कर रहा है? वाई इज ही डूइंग दैट? दे आर आर वो कॉम्पिटिटर्स.
आई थिंक मैंने डाला भी था ऐसा करके उसमें कि व्हाई शुड बी डूइंग दैट सर, मोटर को वही करके वही आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस सर, आई एम अ रिटेलर बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. नहीं बट चाइना को हेल्प कर रहा है कल वही आपको भागी पड़ेगा. व्हाई इज ही डूइंग दैट आई डोंट नो, मे बी हैविंग हिज ओन रीजंस. या आई एम हैप्पी सर, अभी आप लोगों के दिमाग में सभी में क्वेश्चंस आने लगे हैं, जब तक क्वेश्चंस नहीं. हां सर, हां सर, उसमें वी वर सीइंग दैट लिस्ट जो आप सुबह मेंशन कर रहे थे, दैट एल एमएमएम समथिंग, सो आई वाज गोइंग थ्रू द लिस्ट. या आई मीन दैट ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट, सो द बिगेस्ट प्लेयर वाज एक्चुअली रिन्यू. Yes, Renew, so, correct. Renew is not listed here. It is listed on NASDAQ, and I mean, for some reason or other, it has also gone massively down. Yes. Sir, इसमें प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं और पूरी ये कुछ स्टेक अपना वेबल एनर्जी करके न्यू कंपनी डाली है उसमें स्टेक लेते जा रहा है, खुद का स्टेक बेचते जा रहा है. Yes. Renew में? नहीं नहीं, वेबसोल में. वेबसोल में. देखते सर आगे आगे पढ़ने दो, आप लोग भी अगर आप लोगों को सबको पढ़ना है तो अच्छी बात है, आप लोग भी ट्राई करो, संडे का दिन है, यू आर फ्री, सो प्लीज रीड एनुअल रिपोर्ट्स आर फ्री. एंड सर इफ आई कैन कमेंट, अगर कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ पा रहा है तो डॉक्टर विजय मलिक का आर्टिकल है, हाँ श्योर, वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें सारे एनुअल रिपोर्ट और कॉन कॉल से स्निपेट्स डले हुए हैं और आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा. मतलब सर के लिए सारी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना और अपने लिए वो एक पेज पढ़ना इज इक्वल टाइम. तो नहीं सर, फिर चैट का क्या होगा सर? मुझे तो सर देखिए चैट भी देखना नहीं आता, ना मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन है. चलो पैसे बच गए, चलो सर. एक सर, हमें न्यूकमर्स को बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, किसी दिन क्लास लेके आप ये जो अपॉर्चुनिटी वगैरह डालते हैं, हमें उसका कुछ भी नहीं पता, वी डोंट नो एबीसी ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी और व्हाटएवर, और ये जो हार्ड कॉपी एंड ऑल इसका भी हमें कुछ नहीं पता. सो किसी टाइम पे एनी इसका कॉन कॉल्स रिकॉर्डेड है. अपॉर्चुनिटीज इज व्हाट करंट अपॉर्चुनिटीज आई एम एबल टू फाइंड. सी इन्वेस्टिंग यस और नो इज योर ओन डिसीजन. मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स. एट हाउ कॉपी में व्हाट वी डू सर, देयर इज अ पैटर्न वी फॉलो. गणेश जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अमिताभ सर को आप थोड़ा हेल्प कर देंगे कि हाउ कॉपी का हम लोग कैसे करते हैं. एंड आई थिंक कौन सा हमारा वो सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन, कैन एनीबॉडी कम गिव मी दैट नंबर, सेशन नंबर. जस्ट अ सेकंड सर, मैं उसको सर्च करके टैग कर दे रहा हूं. हाँ तो आप उसको टैग करके लाइव जनरल में डाल दो, अमिताभ सर को टैग कर दो. सर प्लीज वॉच दैट रिकॉर्डिंग, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ डू वी यूज दैट भाव कॉपी. सो इट्स ऑल एवरीथिंग इन द रिकॉर्ड, इट्स ऑल एवरीथिंग इन द रिकॉर्डिंग. आप अपॉर्चुनिटी डालते हो, हम देख तो लेते हैं, लेकिन उसको मेरे को नहीं पता है ये राइट्स का और ये वो, आई डोंट नो. मेरा खैर शुरू ही काम 3 महीने पहले हुआ तो पता क्या लगने का. सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. राकेश सर बोलते डेटा कुछ खास है नहीं, वो तो हाथों हाथ कर लेते हैं राकेश सर तो. हाँ थोड़ा बहुत पेशेंट भी देखने होते हैं तो सारा काम साथ साथ चलता है. संडे सम टाइम वी हैव टाइम या सो नहीं करेंगे उसको, धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं. देयर इज नो हरी इन दैट, नो वरी फॉर इट, बी बेटर देन व्हाट यू आर टुडे. डेटा इज ऑलवेज देयर, डेटा इज ऑलवेज देयर. नहीं नहीं, पढ़ेंगे उसको, सबको पढ़ेंगे. अभिषेक सर डॉक्टर बाय बाय प्रोफेशन. आई एम अ डॉक्टर, आई एम जस्ट बिटवीन टू रिकॉर्डिंग्स एंड शेयरिंग. या प्लीज वो भाव कॉपी वाला जो है वो कॉल शेयर करके अमिताभ सर को टैग कर दो, सो ही विल बी एबल टू कैच. थैंक यू सर. थैंक यू.